पावर दिख रही थी, बिल्कुल लगा कि तुमने बेटी का एडमिशन नहीं कराना चाहिए। सो एनीवे, आर यू ऑल एस आर सिटिंग हियर आर ऑफ कोर्स द फ्यूचर सिटीजन एज ऑल वी नो। यू आर द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। 40 करोड़ यूथ मीन्स रूलिंग द वर्ल्ड। बट क्वेश्चन यहाँ ये आता है, 40 करोड़ यूथ कैसे बने, कमजोर या स्ट्रॉन्ग? अगर कमजोर है वो तो क्या उनके पेरेंट्स के ऊपर लाइन है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होंगे वो पेरेंट्स के लिए एसेट, सोसाइटी के लिए एसेट, कंट्री कैसा होगा पावर। आप लोगों को बताया क्या होगा, मेरा पुराना डिपार्टमेंट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था, वेयर आई वर्क फॉर 7 ईयर एज जोनल डायरेक्टर। सो वी स्टार्टेड अ मूवमेंट कॉल्ड हेल्दी कैंपस। दैट मीन्स हमारे स्टूडेंट्स अगर हेल्दी हैं और ड्रग से दूर हैं, हेल्दी हैं और ड्रग से दूर हैं, तो दिस नेशन इज पावरफुल। और अगर हेल्दी से हमने ड्रग ट्राई किया तो वो किसको सपोर्ट करेंगे, दे विल बी सपोर्टिंग द टेररिस्ट, दे विल बी सपोर्टिंग द नक्सल्स, दे विल बी सपोर्टिंग द एंटी नेशनल पीपल। सो होते हैं लास्ट वाली चीज में पहले बोल रहा हूँ, वो क्या है, कभी भी आपका दोस्त ये बोले कि बेटा ये ट्राई करके बहुत अच्छी चीज है, उसको बोला भाई जहर अगर तुम मेरे को पैसा देके भी लोगे तो नहीं लूंगा। जहर अगर मेरे को पैसा देके भी लोगे तो भी नहीं लूंगा, बिकॉज इट्स माई राइट। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू एडवाइज अपॉन यू कि आप जब तक एबीजे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हैं, आपके साथ एक चीज लागू होती है, जो कि आपने जब रास्ते पे चलते ना एक जूस का ठेला वाला देखा है, गन्ने का जो जूस निकालता है, कितने लोगों ने देखा है आप? सो कैसे जूस निकालता है वो, पहली बार गन्ने को डालेगा, जूस बाहर आया, फिर क्या करता है, दोबारा सिर पे डालता है, फिर क्या करता है, फिर तीसरी बार, फिर क्या करता है, फिर चौथी बार, जब तक उसमें से आखिरी बूंद नहीं निकल जाती लगातार उसको डालता है। तो आप लोगों के साथ जो क्या लागू होता है, आप जब एबीजे इंटरनेशनल स्कूल के अंदर है तो यहाँ जो भी चीजें अवेलेबल है, टीचर्स की पूरी पढ़ाई, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर, व्हाटएवर इज अवेलेबल, आप पूरा की पूरा लेके जाओ, क्योंकि ये मौका आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। आज हम लोग सर्विस में है और हम लोग बोले कि हम दोबारा से स्कूल जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हमने मिस की उनको करना चाहते हैं, मैं भी अलाउंस मैं बोले कि प्रौढ़ शिक्षा में पढ़ने के लिए जाओ। सो गेट द बेस्ट आउट ऑफ द स्कूल एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ द लाइफ ऑल्सो। बोले जिंदगी में लेना दोबारा, हम लोग बोलते कल करेंगे, अभी ऐसा हो जाए बच्चे बड़े हो जाए तब करेंगे, पेरेंट्स के लिए बोलो, अभी जरा बच्चे सेटल हो जाए ना तब करेंगे, मेरे बच्चों की शादी हो जाए ना तब करेंगे, और उसके बाद में क्या होगा, ऊपर वाले में आ जाओ, तुम्हारा भी टाइम हो गया। सो आई थिंक वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस, गेट बेस्ट आउट ऑफ द लाइफ इन स्कूल और इन लाइफ। सेकेंड पार्ट इज, हम लोग आजकल बहुत स्ट्रेस की बात करते हैं, कितने लोगों को स्ट्रेस है, आप ऊपर करो, देखो बच्चों को भी अभी तक तो आप बोलते थे बड़ा वाला स्ट्रेस होता है, बच्चों को भी स्ट्रेस है, अभी स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि एग्जाम टाइम आ जाता है, पेपर बताओ अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, पेरेंट्स को स्ट्रेस रहता है, क्यों है क्या बच्चा पढ़ नहीं रहा, हमारी छुट्टी वगैरह भी हम भी कहीं नहीं जा पा रहे, मेरे को छुट्टी अपने मनाने के लिए जा रहा है, मेरी बेटी को तुम छुट्टी के बारे में बात नहीं कर सकते हो, मेरा तो सिलेबस बचा हुआ है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस से बचने का केवल एकमात्र तरीका है
लाइफ स्किल्स के बारे में मैम भी बात कर रहे थे, हमारे पहले स्पीकर भी बात कर रहे थे। वर्क पहले तो आपका जो वर्क है उसको आप प्लान करें, व्हाट प्लान योर वर्क, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिएगा। लेकिन प्लानिंग तो बड़ी अच्छी होती है, हमारे देश में भी 5 ईयर प्लानिंग थी, पता है आपको, हर साल कभी बैठे के बाद अच्छे होते हैं। प्लान योर वर्क, जब आप प्लान करते हैं बच्चों, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? बिफोर यू आर अ लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योरसेल्फ। व्हेन यू बिकम अ लीडर, सक्सेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग अदर्स। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल हैव टू रिमेंबर। चिल्ड्रन, यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस ब्यूटी इवन व्हेन यू आर नॉट इन्वेस्टेड। आज स्कूल में आई, यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ बच्चों का, क्या क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? बहुत अच्छा कार्यक्रम था, इट्स जस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रिंसिपल मैम, सारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसी का रिजल्ट है कि जैसा कि मोटो है स्कूल का सोरिंग हाई, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स दे आर सोरिंग वेरी हाई, और उनको ये मौका मिलता है यहाँ पर कि वो किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सके, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली उन्हें आगे बढ़ाया जाता है और उनको उस उसी तरीके से मोल्ड किया जाता है। दैट इज़ ट्रू गुड, बहुत अच्छी। आप देख रहे हैं फेस वार्ता यूट्यूब चैनल, खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए फेस वार्ता यूट्यूब चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। इधर देखो बेटा, इधर देखो। क्या कार्यक्रम था आपके स्कूल में और कौन मुख्य चीफ गेस्ट थे, वजह बताइए। APJ इंटरनेशनल स्कूल ग्रेटर नोएडा ने आज अपने काउंसिल मेंबर्स को इंडक्ट किया है 22-23 के लिए। इसके लिए हमारे पास आज हमने आमंत्रण किया श्री हरिओम गांधी, कमांडेंट CISF, एंड मिस्टर दिनेश राय, रिटायर्ड IAS ऑफिसर ऑफ कार्डर 1974। इसमें बच्चों को उनके रोल्स दिए गए, हेड बॉय, हेड गर्ल, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल, जूनियर हेड बॉय, जूनियर हेड गर्ल और हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन से नवाजा गया है। ये बच्चे पूरे साल स्कूल को आगे ले जाने के लिए चेयरमैन सर डॉक्टर सत्यपाल की लेगेसी और मिसेस सुषमा पॉल के ड्रीम को आगे ले जाने के लिए हमेशा काम करेंगे। एंड वी हैव द गेस्ट विद अस, श्री हरिओम गांधी सर, प्लीज़ योर टेक ऑन दिस। सर, आज बच्चों के बीच में आप आए, कैसा महसूस किया आपने और बताएंगे थोड़ा सा? APJ के जो बच्चे हैं, बच्चे बहुत पावरफुल लगे, इनफैक्ट उनके अंदर बहुत एनर्जी लगी, और जो पूरा स्कूल का मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट काफ़ी प्रोग्रेसिव है, और मेरे को लगता है हमारे बच्चे आगे चल के भविष्य के बहुत अच्छे सिटीज़न बनेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे, इस बात का मेरे को पूरा विश्वास है। बच्चों के साथ इंट्रैक्शन किया, उनको एड्रेस किया, साथ साथ उनको रिक्वेस्ट किया कि वो भविष्य के अच्छे सिटीज़न बने, अपने आप को हेल्दी रखें, अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दें, और विश्वास है अगर धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ेंगे और सतत प्रयास करते रहेंगे, साथ साथ सभी नशे से दूर रहें, जैसे सोशल मीडिया का नशा या कोई भी टबैको, अल्कोहल या ड्रग्स के नशे से दूर रहें, हर दिन कोई ना कोई अच्छी एक्टिविटी करें जिससे कि वो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली फिट रहें, ऐसा बच्चों को संदेश दिया। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, जब हम लोग बच्चों के कार्यक्रम में जाते हैं तो अपना बचपन हम लोगों को याद आता है, क्या महसूस?
मैंने बच्चों को वही बोला कि बच्चों हम लोग अपने स्कूल को हमेशा याद करें, तो ज़रूरी है कि स्कूल में जो भी बेस्ट चीज़ें हैं उनका पूरा उपयोग करें, टीचर्स से पूरा फ़ायदा लें, उनका स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका आनंद उठाएं, और स्कूल जो आपको दे रहा है उसको पूरी लाइफ आप चेरिश करेंगे, इतना याद रखिएगा। तो मेरे को अपना बचपन ऑफकोर्स याद आया, हम भी याद करते थे हमारे टीचर जिस तरह से हमको कई बार डांटते थे, तो बात उस समय ख़राब लगता था, लेकिन बाद में हमको लगता है कि जो टीचर्स की डांट होती है वो भविष्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द एपीजे मैनेजमेंट कि उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट के रूप में, और बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका दिया। थैंक यू, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा बेटा, गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं पिछले साल का इस स्कूल का हेड बॉय रह चुका और मैंने काफ़ी कुछ स्कूल के लिए किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्कूल। काफ़ी चीज़ें हमने लॉन्च की, संभव प्रोग्राम लॉन्च किया जिससे कि हम गरीब बच्चों की हेल्प कर सकें, और भी बहुत सारी चीज़ें की, उसी लिए आज हमको सम्मानित किया गया। APJ इंटरनेशनल स्कूल ने आपके बच्चे को सम्मानित किया है, पूरा अपने परिचय दीजिए हमारे दर्शकों के लिए और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं आप जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशिरकांत श्रीवास्तव है जी। वास्तव मेरे बेटे का नाम समृत कांत श्रीवास्तव है, वो पेटल से ही नर्सरी से ही स्कूल में उसको एडमिशन दिया था और क्लास 12 तक उसने यहाँ पे पास आउट किया, पूरे 13 ईयर दिए। अच्छा, और चूँकि बचपन से मैं देख रहा हूँ यहाँ के टीचर्स का, प्रिंसिपल का, हर बच्चों के प्रति बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है, सिर्फ स्टडी में ही नहीं, स्टडी में भी उसने हाई स्कूल में अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था, अभी 12th में भी उसने पूरे स्कूल में टॉप किया है, 96% उसके आए हैं साइंस में। और मत करो सिर्फ स्टडी नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसमें भी आउटस्टैंडिंग है, सिंगिंग में, डांसिंग में, प्लेइंग में, और भी जो आर्ट्स कंपटीशन होते हैं, और भी जो चीज़ें होती हैं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है मैं ये कहूँगा वो बच्चे का इस स्कूल में होता है, जहाँ पे यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल बच्चों की हर चीज़ पे, छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर पढ़ाई तक पे ध्यान देते हैं। इसलिए मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने बच्चे को नर्सरी से 12th तक इस स्कूल में शिक्षा दिलाई। थैंक यू सर।